वेलकम बैक वीड्स। एक सेकंड वीड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं ये? एफबीआई ओपन अप। वेलकम बैक वीब्स, और कैसे हो तुम सब लोग? मुझे पता है तुमने थंबनेल देख के क्लिक किया है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे एक शब्द कहूंगा, क्लिकबेट। बड़ा फेमस शब्द है, तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो आज इस वीडियो में अपन बोरुटो चैप्टर 69 को कवर करने वाले हैं। यस, तुमने सही सुना, 69। अब शुरू करने से पहले तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है इस चैप्टर 69 से? तुम्हें क्या लगता है, बोरुटो और सारदा एक रूम में बैठे होंगे और बाहर बारिश हो रही होगी, और यहाँ पे दोनों का मूड बन जाएगा ट्रेनिंग करने का? तुम क्या सोचते हो, किशिमोटो अपने को दिखाएंगे ये सब चीजें? नहीं। तो चलो, काफी बकवास कर लिए, करते हैं शुरुआत। अब इस बात के कवर पेज के ऊपर है डेल्टा, जो कि एकदम ऐसे अलग स्टाइल में बैठी हुई है। एक सेकंड, ये हवा में बैठी है क्या? मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर 69 अलग ही हिट कर रहा है, और चैप्टर का नाम है कैप लिव्स। अब चैप्टर के स्टार्ट में अमारो कहता है, ईड़ा तुम जिंदा हो। देन इसके बाद ईड़ा ये कहती है, ये तो ऑब्वियस है ना, तुम्हारा वही पुराना फालतू रिएक्शन है, लेकिन चलो मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती। इसके बाद डेल्टा कहती है, ईड़ा जो भी हो तुम कोर के साथ यहाँ पे आई हो, इसका मतलब तुम भी एनिमी हो, और अब मैं यहाँ पे तुम दोनों का सफाया करूंगी, मतलब जिंदगी में कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। इसके बाद डेल्टा एक किक मारती है ईड़ा को, लेकिन ईड़ा उस किक को एकदम आराम से रोक देती है और कहती है, डेल्टा डियर मुझे तुम्हारी पैंटीज दिख रही है। इसके बाद डेल्टा अपना दूसरा पैर है उसे भी मॉडिफाई कर देती है, और शिका मारु ये कहता है, अरे डेल्टा क्या कर रही हो तुम ये? देन इसके बाद डेल्टा कहती है, मुझे भी नहीं पता, इस लड़की ने कुछ तो किया है। देन इसके बाद शिका मारु इनो से कहता है, मुझे यहाँ पे इमरजेंसी बैकअप की जरूरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बोरुटो और सास्के के ऊपर, जहाँ पे सास्के ये कहता है, फॉरगिव मी बोरुटो, एज ए टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मोमोशिकी के रैम्पेज को मैं रोकूं, लेकिन जब तुम्हें जरूरत थी तब मैं नहीं था, और कावाकी को यहाँ पे एक पेनफुल रोल प्ले करना पड़ा। ओ, तो तुम्हें भी ये बात पता चल गई कि कावाकी ने मुझे मारा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग उसे इतना ब्लेम क्यों कर रहे, क्योंकि मैंने ही उसे ये करने के लिए कहा था, और वैसे भी हम दोनों ब्रदर्स की तरह है। देन इसके बाद सास्के कहता है, ब्रदर्स? हाँ, लगता है सास्के को वो पुराने शिपुडिन वाले दिन याद आ गए, जब नारुतो भी कहता था, वी आर लाइक ब्रदर्स। देन इसके बाद बोरुटो सास्के को उसका हेडबैंड देता है, लेकिन सास्के कहता है, रहने दे भाई तेरे पास ही, मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर तुम बोरुसारा के फैन हो तो अब तुम्हारे लिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। अब सारदा और मित्सुकी यहाँ पे उनके सामने खड़े हैं, और सारदा कहती है कि पता नहीं ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, जिसकी रिप्लाई में मित्सुकी कहता है, अगर चीजें खराब जाती तो बोरुटो अभी तक मर चुका होता, तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन जिस बंदे ने बोरुटो को मारने का ट्राई किया उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब सारदा भी यहाँ पे कहती है कि हाँ ये काफी शॉकिंग है, लेकिन इसमें बोरुटो का भी तो फॉल्ट नहीं है, और मुझे उसकी हेल्प करनी है। और ये सुनने के बाद मित्सुकी कहता है, अच्छा तो तुम्हें बोरुटो पसंद है क्या? देन सारदा कहती है, क्या ये कहाँ से बीच में आ गया? देन मित्सुकी कहता है, अच्छा मतलब तुम उसे पसंद नहीं करती हो? देन सारदा यहाँ पे ये कहती है, देखो मैं उसे पसंद करूँ या ना करूँ, इसका इस अभी के मैटर से क्या लेना देना है, मतलब तुम समझ रहे हो। सारदा ने यहाँ पे हाँ भी नहीं कहा है, लेकिन ना भी तो नहीं कहा है, और उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो कुछ और ही कह रहे, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। देन इसके बाद मित्सुकी कहता है, छोड़ो जाने दो, हम दोनों को काफी पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि हम ओत्सुत्सुकी को फेस कर पाए। एंड देन सीन शिफ्ट होता है कावाकी के ऊपर, कावाकी मस्त नींद से उठता है, और उसके सामने सीधा नारुतो। नारुतो यहाँ पे ये कहता है, ओ पहली बार भी हम ऐसे ही मिले थे, है ना? देन इसके बाद कावाकी कहता है, तुम मुझे ये बकवास मेमोरी यहाँ पे बताने आए हो? देन इसके बाद नारुतो सुमिरे को यहाँ से भगा देता है, और तभी कावाकी ये कहता है, क्या तुम मुझे बोरुटो को मारने के लिए कोई सजा नहीं देने वाले हो? और ये बात सुमिरे सुन लेती है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुमिरे इस बात को कहीं विलेज में फैला दे और भाई सारे विलेज वाले कावाकी को हेट करे। अब नारुतो यहाँ पे ये कहता है, चिल मारो, बोरुटो जिंदा है। ये काफी लंबी कहानी है, लेकिन उसके कर्मा की हेल्प से वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अगर उस दिन तुम नहीं होते तो आज हम सब यहाँ पे मरे हुए होते, तो मैं ग्रेटफुल हूँ। कोनोहा तुम्हारे लिए एक फैमिली जैसी है, तो वही है नारुतो के डायलॉग चलते रहते, लेकिन तभी इनो यहाँ पे नारुतो से कहती है कि इमरजेंसी बैकअप, लैब नंबर 3 में कोड और एक अननोन विलन आ चुका है। तो ये खबर सास्के और बोरुटो भी सुन लेते, वो तो निकल पड़ते, लेकिन नारुतो भी निकल पड़ता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है वही ईड़ा और शिकामारू के इधर। शिकामारू यहाँ पे ट्राई करता है शैडो
वाला जुत्सु, लेकिन कोई यूज नहीं उसका। देन इसके बाद शिकामारू इनो से कहता है कि देखो अमारो और मुझे कनेक्ट करो ताकि एनिमी को पता ना चले कि हम क्या बात कर रहे। इनो यहाँ पे दोनों का माइंड कनेक्शन कराती है। अब कनेक्ट होने के बाद शिकामारू अमारो से पूछता है कौन है भाई ये ईड़ा। तो अमारो बताता है कि ईड़ा के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी को भी अपना कैप्टिव बना सकती है। कैप्टिव का मतलब होता है प्रिजनर, मतलब सिंपल भाषा में वो लोगों को कंट्रोल कर सकती है। किसी को हेडेक होता है, किसी को फीवर होता है, कोई उसके प्यार में पागल हो जाता है, अलग अलग सिम्टम्स है लोगों के। अब इसका बेस्ट एग्जांपल अपन उसी टाइम देखते हैं जब डेल्टा को सीधा क्रश आ चुका है ईड़ा के ऊपर, मतलब क्यूट क्यूट बोल रही है सीधा। अब शिकामारू ट्राई करता है ईड़ा के ऊपर अटैक करने का, लेकिन वो नहीं कर पाता। मतलब इससे उसे ये बात समझ आ गई है नारुतो और सास्के का कोई चांस ही नहीं है। इधर दूसरी तरफ कोड अमारो को टॉर्चर कर रहा है। तो अब यहाँ पे शिकामारू सीधा ईड़ा से पूछता है कि भाई क्या है तुम्हारा मोटिव, क्यों तुम कोड की हेल्प कर रही हो। देन ईड़ा यहाँ पे ये कहती है कि देखो यार ऐसा है कि मुझे कावाकी पसंद है। देन शिकामारू कहता है बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को सपोर्ट करता हूँ, तुम्हारे लिए एक डील है, तुम कोनोहा में आ जाओ और उसके बाद तुम कावाकी को अपनी फीलिंग्स बता देना। काफी स्मार्ट मूव खेला है शिकामारू ने। और ये देख के कोड यहाँ पे ये सोचता है क्या अगर ऐसा हो गया तो भाई मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ईड़ा यहाँ पे क्या डिसीजन लेगी, और नारुतो और सास्के जब आएंगे तो दोनों क्या उसके प्यार में पड़ जाएंगे। देखना इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे कमेंट से बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर। वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक मारो, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, अपनी फीलिंग्स बरसाओ उस सब्सक्राइब बटन पे। तो चलो अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय।